हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डायनेमिक पार्टीशनिंग शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिक्स पार्टीशनिंग के बारे में पढ़ा था कि उसमें क्या होता था, हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था कि क्योंकि उसमें जो भी ब्लॉक्स थे, यानी जो भी हमारी मेन मेमोरी थी, वो फिक्स्ड पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो उसमें अगर हमारी प्रोसेस 100K की है और जो हमारा ब्लॉक है 50K का, जैसे कि हमारे पास ये ब्लॉक है, ठीक है, ये मेन मेमोरी का ब्लॉक है, ये हमारा 150K का है, लेकिन जो हमारी प्रोसेस है वो कितने की है, 100K की है। तो ये जो 50K हमारे पास बचा है, हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम होगी हमारे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो ये 50K हमारे वेस्ट हो रहे हैं, हमारी मेन मेमोरी जो है वो वेस्ट हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास डायनेमिक पार्टीशनिंग है। सो डायनेमिक पार्टीशनिंग को डिजाइन करा गया है उससे फिक्स पार्टीशनिंग से होने वाले जितने भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, जैसे कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। सो डायनेमिक पार्टीशनिंग जो है वो सबसे पहले बहुत ज्यादा स्पेशियस है फिक्स पार्टीशनिंग से। अब स्पेशियस का क्या मतलब है, इसमें हमारे पास पार्टीशनिंग दी गई होती है, यानी हमारी मेन मेमोरी कोई फिक्स पार्टीशन में डिवाइड नहीं होती है। जैसे जैसे हमारे पास प्रोसेस आती जाती है, हम एलोकेट करते जाते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हमारी मेन मेमोरी फिक्स्ड पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी तो हम उसको किस तरह से अपनी प्रोसेस को उसमें एग्जीक्यूट करेंगे या फिर स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले है कि मेन मेमोरी इज नॉट पार्टीशन्ड इनटू फिक्स्ड ब्लॉक्स, वी एलोकेट आवर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ आवर प्रोसेस, सो देयर इज नो चांस ऑफ अकरिंग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी प्रोसेस 4K की है, ठीक है, तो हमारी जो मेन मेमोरी है उसमें कोई भी फिक्स्ड पार्टीशन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना एक अलग से ब्लॉक बना सकते हैं 4K का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी मेन मेमोरी वेस्ट नहीं हो रही है और यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का भी ऑप्शन नहीं आ सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन सम प्रोसेस इज टर्मिनेटेड फ्रॉम द मेन मेमोरी, देन ब्लॉक्स इन अ मेमोरी आर फ्री टू यूज बाय अदर प्रोसेसेस, सो दैट अदर प्रोसेसेस कैन इजिली एग्जीक्यूट देयर इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ये प्रोसेस P1 है, ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो गई, ठीक है। जब इसकी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो जाएगी तो ये जो ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें ये P1 प्रोसेस स्टोर है, तो वो खाली हो जाएगा, और अगर कोई और प्रोसेस वेट कर रही है इस ब्लॉक के लिए तो वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो ये तो था थोड़ा सा थ्योरी पार्ट, मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाती हूँ कि डायनेमिक पार्टीशनिंग किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हमारे पास, आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा, तो हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये क्यू में लगी हुई है, ठीक है। सबसे पहले ए है, फिर बी है, सी डी ई एफ जी, ठीक है। सो ये है हमारी मेन मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा स्पेस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले लिया है और बाकी जो है वो प्रोसेसेस के लिए है, वो यूजर प्रोसेसेस के लिए होता है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी मेन मेमोरी है वो पूरी खाली है, ठीक है, उसमें कोई भी प्रोसेसेस नहीं है। इसकी यहाँ पे एक लिमिट दी गई है, ये है 200K से 1000K तक की प्रोसेसेस हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारे कि अब हम किस तरह से अपनी मेन मेमोरी में प्रोसेसेस को एलोकेट करेंगे। सबसे पहले ये क्यू के फॉर्मेट में है। क्यू का मतलब क्या होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फीफो, ठीक है, सबसे पहले मैंने एफ लिखा, फिर आई लिखा, फिर एफ लिखा फिर ओ लिखा। तो अगर मैं यहाँ पे फीफो ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे पहले एफ जाएगा, फिर आई, फिर एफ, फिर ओ। ऐसा नहीं होगा कि बीच में से कोई भी चला जाए। उसी तरह से जो हमारे यहाँ पे प्रोसेसेस है वो क्यू में है, यानी पहले ए है तो ए ही सबसे पहले जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में स्टोर होगी या सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं होगा कि सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वैसे ये
एल्गोरिदम्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग है या फिर नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग है। सो वो एक अलग टॉपिक है, हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इतना जान लेते हैं कि ये क्यू के फॉर्मेट में है, ठीक है, और जो प्रोसेस सबसे पहले आई है, ठीक है, वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ए प्रोसेस है, तो हमने क्या करा, एक ब्लॉक में 200K का ब्लॉक था, 200K का ब्लॉक नहीं था, मतलब जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट थी, यानी जो प्रोसेस है वो 200K की है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 200K का एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया और अपने प्रोसेस को स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर आई बी प्रोसेस की बारी, तो बी प्रोसेस का जो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो 300K की है, ठीक है, तो 300K की इंस्ट्रक्शन भी हमने यहाँ पे स्टोर कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे सी प्रोसेस आई, सी प्रोसेस की जो इंस्ट्रक्शंस है वो 100K की है, तो यहाँ पे 100K हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आई हमारी डी प्रोसेस, डी प्रोसेस की है हमारी, यहाँ पे इन्होंने 100K दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे इन्होंने 200K लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 200K की है। तो यहाँ पे हमने चार प्रोसेसेस हमने यहाँ पे स्टोर कर दी, तो इससे क्या हुआ, हमारी मेन मेमोरी फुल हो गई। सो हमने यहाँ पे सिर्फ चार ही प्रोसेसेस अपने स्टोर करी है मेन मेमोरी में, लेकिन जो बाकी तीन प्रोसेसेस है वो तो बच गई है। तो अब क्या हुआ, अब आप अगर आप इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी जो प्रोसेस है, जो 300K वाली प्रोसेस है, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक है, जैसे कि हमने कहा कि जब एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो उसका जो ब्लॉक होता है वो खाली हो जाता है, और अगर कोई प्रोसेस क्यू में वेट कर रही हो उस जगह के लिए तो वो वहाँ पे स्टोर हो सकती है। तो यहाँ पे ये खाली हो गई है जगह, ठीक है। तो डी तक हमने यहाँ पे स्टोर कर दी थी, ठीक है। डी के बाद आती है हमारी ई प्रोसेस, तो अब हम क्या करेंगे, ई प्रोसेस को उठाएंगे और यहाँ पे स्टोर कर देंगे। हमने यहाँ पे ई प्रोसेस को ही क्यों स्टोर करा, एफ को क्यों नहीं करा, बिकॉज ये हमारा क्यू के फॉर्मेट में है। अब डी के बाद ई है तो हम एफ को कैसे कर सकते हैं, जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले स्टोर होगा। अब ई का जो स्पेस उतना जिसको चाहिए था ई को, वो सिर्फ 100K का था, तो हमारे पास अभी भी थोड़ा सा स्पेस बाकी है, हमारे पास अभी भी 200K बाकी है। तो हम क्या करेंगे, अब एफ जो हमारी प्रोसेस है उसको भी स्टोर कर देंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे एफ भी स्टोर हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे 50K का जो स्पेस है वो अभी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम अपनी प्रोसेस को देखें, अगर हम अपने जी प्रोसेस को देखें, इसका जो स्पेस है, इसको जितनी जगह चाहिए वो है 150K की, लेकिन हमारे पास कितनी अवेलेबल है, हमारे पास सिर्फ 50K ही अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि कोई और प्रोसेस जो है वो फ्री हो जाए ताकि हम अपनी जी प्रोसेस को स्टोर कर सके। तो हमने यहाँ पे तो हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी डी प्रोसेस है, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, आफ्टर जॉब डी हैज फिनिश्ड एंड एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू जॉब जी। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जो हमारी डी की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो हमारी हमने क्या किया, जी जो प्रोसेस है हमारी उसको हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो जी को कितना स्पेस चाहिए था, जी को 150K स्पेस चाहिए था, तो 150K स्पेस हमने जी को दे दिया और हमारे पास 50K फ्री रह गया। 50K फ्री क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे डी का जो स्पेस था वो 200K था, ठीक है, यानी डी को 200K स्पेस एलोकेट हुआ हुआ था। तो 200K का जो स्पेस जब खाली हुआ तो यहाँ पे 200K बचा। अब हमारी जी की जो स्पेस था, जितना उसको स्पेस चाहिए था वो 150K चाहिए था, तो उसमें से हमारे पास 50 बच गया। सो अगर आप इस ब्लॉक में देखेंगे तो यहाँ पे हमारी ए एफ सी एंड जी की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ई ही प्रोसेस बाकी है। और इस तरह से क्या होता है, जैसे जैसे प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती जाती है वैसे वैसे हमारी मेन मेमोरी खाली होती जाती है। जब हमारी मेन मेमोरी खाली होती है तो इस तरह से एक और क्यू होता है जो कि हमारी मेन मेमोरी में दोबारा से फुल हो जाता है। सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन
को सफ़र नहीं करना पड़ रहा है। अगर हमारी कोई प्रोसेस 50K की आती है तो हम यहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हैं। ये जो हमारा स्पेस है वो वेस्ट नहीं जा रहा है, हमारी मेन मेमोरी वेस्ट नहीं जा रही है। और जैसे जैसे उनकी एग्जीक्यूशन होती जाती है, हमारी मेन मेमोरी खाली होती जाती है, या फिर मेन मेमोरी का जो स्पेस है वो किसी और प्रोसेस को मिल जाता है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको डायनेमिक पार्टीशनिंग अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेझिझक। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो। और या अगर आप आगे के पार्ट्स भी देखना चाहते हो तो कीप सब्सक्राइबिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। एंड ये कोरोना टाइम है, सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अपने घरों से बाहर मत निकलें एंड एंजॉय योर टाइम।